एक हार्ड डिस्क के डाटा को दूसरे हार्ड डिस्क में कैसे ट्रांसफर करें, कैसे डालें। दोस्तों हमारे पास कई सारी हार्ड डिस्क होती है, सब में अलग अलग डाटा होता है, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है हम चाहते हैं कि एक हार्ड डिस्क के डाटा को दूसरे वाले हार्ड डिस्क पर ट्रांसफर कर पाएं, डाल पाएं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि ट्रांसफर करें कैसे, आखिर एक हार्ड डिस्क के डाटा को दूसरे वाले हार्ड डिस्क पर कैसे डाल सकते हैं, कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, आज के वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक हार्ड डिस्क के डाटा को दूसरे हार्ड डिस्क पर कैसे हम कॉपी कर सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं बिना कोई डिवाइस के। आप सिर्फ अपने कंप्यूटर की मदद से एक हार्ड डिस्क के डाटा को दूसरे हार्ड डिस्क पर ट्रांसफर कर पाएंगे, कॉपी कर पाएंगे, वो भी सिंपल तरीके से, काफी फास्ट तरीके से आप अपने डाटा को कॉपी कर पाएंगे। बस आप वीडियो को आखिर तक जरूर से देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, साथ में घंटे को भी दबा लेना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने कंप्यूटर को कर लिया है चालू, ऑन कर लिया मैंने, और यहाँ पर मैं आता हूँ अपने माई कंप्यूटर पर, और यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर 500 GB की हार्ड डिस्क लगी है, जहाँ पर चार ड्राइव बने हुए हैं जिसमें CDEF करके यहाँ पर ड्राइव बना हुआ है। और अभी मेरे कंप्यूटर पर जो हार्ड डिस्क लगा है वो 500 GB का है। और अब मैं आपको मेरे पास अलग से जो हार्ड डिस्क है इसमें के डाटा को आपको कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी इसी में आपको कॉपी करके दिखाऊंगा, मतलब इसमें जो भी डाटा है उसको कॉपी करेंगे अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर। अगर आपके पास अलग से ही दो तीन हार्ड डिस्क है, जैसे मेरे पास देख सकते हैं दो अलग से हार्ड डिस्क है, फिर कंप्यूटर में अलग से हार्ड डिस्क लगी है, तो अगर आप दो तीन हार्ड डिस्क को एक साथ अपने कंप्यूटर में यूज करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंप्यूटर को ऑफ कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, शट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर शट डाउन हो रहा है देख सकते हैं। शट डाउन होने के बाद आपको क्या करनी है, आपको अपने सीपीयू के ढक्कन को ओपन करनी है, ठीक है। इस तरह से मैं ढक्कन को ओपन करता हूँ, आपको भी अपने सीपीयू के ढक्कन को ओपन कर लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर किया ओपन, देख सकते हैं हमारे सीपीयू की ढक्कन हो गई है ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लगा एक हार्ड डिस्क है, अच्छे से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लगा एक हार्ड डिस्क है, और यहाँ पर लगा एक डीवीडी राइडर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जूम करके दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख सके। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा हमारा सीपीयू ओपन हो चुका है, और यहाँ पर लगा है हमारा हार्ड डिस्क आप देख सकते हैं, और यहाँ पर लगा है डीवीडी राइडर। तो हम क्या करेंगे, हमें ये वाला जो हार्ड डिस्क है इसकी डाटा को हमें कॉपी करनी है इस वाले हार्ड डिस्क के पर, ठीक है। अभी इसमें जो डाटा उसको हम कॉपी करेंगे ये वाले हार्ड डिस्क के पर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो डीवीडी राइडर लगे इसमें हम केबल को निकाल लेंगे, ठीक। इस प्रकार से हमने निकाल लिया, ये सारा केबल हो गया, और ये लगा है हमारा पावर केबल, ठीक है। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, हमारे हार्ड डिस्क के पर लगा देंगे सिंपली कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं हम इसे लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से, ये लग जाएगी, लग जाए भाई ये लग गई, और इसे भी हम लगा लेते हैं कुछ इस प्रकार से। देख लीजिए दोस्तों सिंपल से कनेक्शन है, यहाँ पर आपको सारा केबल लगा देनी है, और यहाँ पर आपको SMPS का पावर केबल लगा देनी है। जो केबल हमारे डीवीडी रीडर पर लगा था उसको निकाल के आपको अपने हार्ड डिस्क पर लगा देनी है, उसी हार्ड डिस्क पर जिस हार्ड डिस्क के डाटा को आप अपने दूसरे हार्ड डिस्क में कॉपी करना चाह रहे हैं, और सिंपली आपको यहाँ पर इसको रख देनी है, ठीक है। हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। हम इसे यहाँ पर टाइट भी कर लेते हैं, हम इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कनेक्शन हो चुकी है, फिर से समझ लीजिए जो डीवीडी रीडर पर जो हमारा कनेक्शन हुआ था उसे हम यहाँ पर अपने हार्ड डिस्क पर कर दिए, ठीक है। और ये हार्ड डिस्क पहले से लगा हुआ है, और अगर आप और एक हार्ड डिस्क कनेक्ट करना चाहते हैं, अलग से हार्ड डिस्क और कनेक्ट करना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर तीन हार्ड डिस्क हो जाएगी, एक दो और यहाँ पर तीन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मदरबोर्ड पे आपको चार हार्ड डिस्क कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप चार हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा अच्छे से। तो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको चार हार्ड डिस्क कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, चार सारा केबल लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और आप एक और हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं इसी हार्ड डिस्क के डाटा को ये वाला हार्ड डिस्क आपको कॉपी करके दिखाऊंगा जो यहाँ पर पहले से लगा है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से कंप्यूटर को करते हैं आप ऑन। तो मैंने यहाँ पर कर दिया अपने कंप्यूटर को ऑन, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर हो रहा है चालू, और यहाँ पर हमारा जो दोनों हार्ड डिस्क है यहाँ पर आप दिखाना शुरू हो जाएगा। कुछ सेकंड वेट करते हैं जब तक हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाती है। जब तक कंप्यूटर स्टार्ट हो रही तब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे को भी दबा लेना। तो चलिए फटाफट से हमारे कंप्यूटर को हम ऑन होने देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग विंडो आ चुकी है, अभी हमारे कंप्यूटर पर विंडो 7 चल रही है। आप कमेंट कर मुझे बताना कि आप अपने कंप्यूटर पर कौन से विंडो इस्तेमाल करते हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, आप कौन से विंडो इस्तेमाल करते हैं मुझे कमेंट कर जरूर से बता देना। तो यहाँ पर फाइनली हमारा कंप्यूटर ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने। एक बार हम यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं और सीधा चलते हैं माई कंप्यूटर पर। माई कंप्यूटर पर जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक दो तीन अलग से नए डिवाइस यहाँ पर दिखाई दे रही है, नए ड्राइव यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब तक जो है एक दो तीन चार ही दिखाई दे रहा था, CDEF ही दिखाई दे रहा था, बट अब GHI यहाँ पर तीन नए ड्राइव जो है आ चुके हैं, ठीक है। हमने जो अलग से हार्ड डिस्क जो लगाया है जिस हार्ड डिस्क के डाटा को हमें कॉपी करनी है वही वाला हार्ड डिस्क यहाँ पर दिखा रहा है, देख सकते हैं उसकी ड्राइव भी दिखा रही है, और यहाँ पर ये वाले ड्राइव पर हमारी डाटा पड़ी हुई है। हम इसे ओपन करके देख लेते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी
सारी फोटोज यहाँ पर आ गई है। ये शादी की फोटोज है, ठीक है, सगाई की फोटोज है, शादी और सगाई दोनों के यहाँ पर फोटो मिक्स है, तो यहाँ पर सारी फोटो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे। अगर आपके भी हार्ड डिस्क में जो भी आपकी डाटा है, फोटो वीडियो सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी आप डाटा रखें, उसको सिंपली आपको क्या करनी है, कॉपी कर लेनी। इस तरह से कॉपी करने के बाद आपको कॉपी किया हमने, अब आपको बैक आनी है और जिस भी ड्राइव में आप इसे कॉपी करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, मतलब आप अपने जो हार्ड डिस्क है उसमें डाटा को जिस में भी डालना चाहते हैं उस पर आपको पेस्ट करनी है। मैं सिंपली यहाँ पर डी को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से इसे पेस्ट किया और देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी होना शुरू हो चुकी, मतलब हमारे एक हार्ड डिस्क के डाटा को हम दूसरे वाले हार्ड डिस्क पर यहाँ पर आसानी से कॉपी कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस प्रोसेस में आपको एक रुपये भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बिना खर्चे का आपका काम हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हो रहा है, कॉपी हो रही है, जो कि 2.80 GB की है, मतलब 2.18 GB की है हमारी फाइल है जो कि यहाँ पर कॉपी हो रही है। आपके पास जितनी भी बड़ी बड़ी फाइलें हैं आप आसानी से उसे कॉपी कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत परेशानी के। हम थोड़ी सी वेट करते हैं जब तक कॉपी हो जाती है, तब तक अपने वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक कर दो यार, फटाफट से लाइक करने में क्या जाता है, हमें खुशी मिलती है, आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फटाफट से हम इसे कॉपी होने देते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हमारी कॉपी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हम ओपन करके आप दिखाते हैं। देख सकते हैं अब जो पहले वाला जो हार्ड डिस्क था उसमें का डाटा हमारे नए वाले हार्ड डिस्क पर आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर सारी जो है फोटो हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। मतलब मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ, यहाँ पर जो ये वाली हमारा नई हार्ड डिस्क है जो हमने बाद में लगाई है, इस हार्ड डिस्क का जो डाटा है उसे हमने डी में डाल दिया, मतलब हमारे पहले वाले हार्ड डिस्क पर हमने डाल दिया। आप भी इस तरीके से अपने हार्ड डिस्क के डाटा को दूसरे वाले हार्ड डिस्क पर डाल सकते हैं, लेकिन आपको इस बात की ध्यान देनी, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को चालू करके एक बार देख लेनी कि आखिर पहले से आपके कंप्यूटर पर कौन कौन से ड्राइव दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में सी डी ई ए पहले से दिखा रहा था, अभी हमने जो लगाया वो जो है जी एच आई, ये तीन जो ड्राइव है ये अभी हमने नया ऐड किया है, ठीक है। मतलब जो दूसरा वाला हार्ड डिस्क हमने डाला है वही हार्ड डिस्क का ये ड्राइव है जो कि तीन ड्राइव यहाँ पर दिखा रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर तीन चार ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक मदरबोर्ड पर चार हार्ड डिस्क आप चला सकते हैं बिना कोई दिक्कत परेशानी के दोस्तों। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर एक हार्ड डिस्क के डाटा को दूसरे हार्ड डिस्क में कैसे ट्रांसफर करते हैं, आपका काम हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे भी दबा देना, और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरे इंस्टाग्राम आई डी संदीप पटेल 72, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दिया हूं, जाकर फॉलो कर लेना। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना, या फिर इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं जरूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों।